अरे कुछ नहीं है ने मुझसे बताया कि रात को 12 बजे के करीब अचानक ऐसी आवाज आनी शुरू हो गई जिससे घर के सारे लोग जग गए और बच्चे तो डर गए और उसके बाद हम आके देखे तो फ्रिज के अंदर से इतनी भयानक आवाज आ रही थी तो आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल मैं आपका अपना दोस्त संजय तो चलिए शुरू करते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या दिक्कत थी क्या प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी ग्लास को रिमूव कर लिया दूसरा आइस मेकर बॉक्स को हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे और ये पूरा हमारा जो ग्रिल डक्ट असेंबली है इसमें दो दो स्क्रूज लगे हैं दोनों स्क्रूज को हमें ओपन कर लेना मशीन की मदद से हम लोग दोनों स्क्रूज को बाहर निकालेंगे जब भी हम लोग इस स्क्रूज को निकालेंगे उसके बाद ही हमारा पूरा डक्ट जो है वो बाहर निकल सकता है और निकल भी जाएगा कभी कभी क्या होता है अगर आइस फॉस्टिंग बहुत ज्यादा है तो कुछ टाइम आपको वेट करना है अंदर पानी डाल के गर्म पानी डाल के इसको मेल्ट कर देना आइस को उसके बाद ही इसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना नहीं तो आपकी अंदर से जो है, पे आपको फिंगर डाल के हाथ से भी इस तरह से आप करेंगे, तो थोड़ा सा ओपन हो जाएगा अगर ज्यादा करेंगे तो इसके अंदर कनेक्टर भी टूट सकते हैं ग्रिल असेंबली को बाहर निकलने के बाद एक आपको सेंसर रहेगा सेंसर को डिस्कनेक्ट करना है और दूसरा जो इधर पे साइड पे रहेगा आपका फैन मोटर का कनेक्टर रहेगा उसको निकाल देना है और एक साइड पे और एक आपका लेफ्ट हैंड पे लगा रहेगा कनेक्शन इसको निकाल दें इसमें दो बेल्डी सी मोटर ब्रशलेस डायरेक्ट ड्राइव मोटर एक सेंसर लगा हुआ है तो इन दोनों चीज़ों को आपको तीनों को आपको डिस्कनेक्ट कर देना उसके बाद आपका डक्ट ये पूरा प्रॉपर बाहर आ जाएगा और डक्ट बाहर आने के बाद अभी हम लोग देखेंगे किस वजह से इसके अंदर इतनी ज़्यादा भयानक नॉइस क्रिएट हुई जिससे कि घर के लोग सारे जगह रात को बारह बजे और डर भी गए तो ये ये वाला जो सेक्शन है हमारा ये हमारा इस साइड का फ्रीज़र का है और दूसरे साइड का हमारा रेफ्रिजरेटर का है और ये वाले फ्रीज़र वाले सेक्शंस को अभी हम लोग करेंगे इसमें क्या दिक्कत है इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर का थर्माकोल को पूरा ग्रिल असेंबली को पूरा खोल देंगे जब भी हम लोग खोलेंगे तभी हमें इसके अंदर की कंडीशंस जो है वो मालूम चलेगी कि इसके अंदर क्यों इतनी ज़्यादा नॉइस क्रिएट हुई तो अभी हमने इसके ऊपर के थर्माकोल्स को निकाल दिया जो हमारे डक्ट है आप सेफ देख रहे हो कि जो एयर को किस तरह से फ्लो करके आपके नीचे वाले कंपार्टमेंट में एयर को भेजा जाता है और उसी हिसाब से अंदर के थर्माकोल की कटिंग होती है और अभी जो है हम लोग जो रिप्लेस करने वाले हैं जो आवाज़ हमें दिखी थी वो फ्रीज़र वाले सेंसर फ्रीज़र वाले फैन मोटर बी फैन मोटर दोनों फैन मोटर ऑलमोस्ट सेम है इसके साथ आपका एक सेंसर लगा हुआ है और इसमें जो है सेंसर नहीं है सेंसर एज सेंस की बगल में लगा हुआ है इसके साथ में इसको हमने इसमें जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है इसकी जो ब्लेड से ब्लेड साइड से जो है टूटी हुई है अंदर के साइड जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहा था और उसके साथ साथ जो इस पर एक वाइट कलर की टेप लगी हुई है उससे ये टकराते समय चूँकि रात का टाइम था तो छोटी भी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा मालूम चलती है तो इस फैन ब्लेड में धीरे धीरे करने की वजह से या तो वायर थोड़ा सा फंसा होगा वो तो शाम के टाइम की कंडीशन होगी जिसकी वजह से ये फैन में इतनी ज़्यादा नॉइस आ रही थी और अभी हमें सेम टू सेम दूसरा फ़ैन मोटर इसमें इसी तरह से कनेक्ट करेंगे और जिस तरह से हमें जब भी हमें इसे फिक्स करना सबसे पहले इसकी वायरिंग का ध्यान देना कौन से साइड से वायरिंग है बहुत ज्यादा लोग से लापरवाही हो जाती है इसके लिए आपको एक पहले ही जब ही आप इसको ओपन कर एक पिक्चर क्रिएट कर लें, जिससे कि आपको कौन से साइड से वायर किधर के साइड से आपका घुमा हुआ जैसे कि इसमें कनेक्टर्स में हमारे तीन वायर होते हैं तीन वायर में जिसमें कि आपको 12 बोल्ट से ऑपरेटेड होता है बी ब्रशलेस डायरेक्ट ड्राइव मोटर होती है और दो में जो है हमारा बारह वोल्टेज डी आता है और तीसरा जो होता है फीडबैक वोल्टेज के लिए रहता है तो अभी हम लोग तीनों स्क्रूज़ इस को इसमें प्रॉपर फिट कर लेंगे और उसके बाद जो ये आप देख रहे हो जैसे कि इसमें ये हार्नेस लगी हुई तो कभी कभी लोग लापरवाही कर देते हैं फिक्स कर देते हैं लेकिन हार्नेस जो है जो इसके कनेक्टर्स हैं वो फ़ैन के बेड में टच होते रहें तो, तो इसको जब भी आप फ़िक्स करें ये चीज़ को नोट डाउन करें और अभी हमने इसके ऊपर के ग्रिल ग्रिल के ऊपर जो है पूरा डक्ट को कंप्लीट कर दिया और डक्ट को कंप्लीट करने के लिए अब इसमें मेन चैलेंजेस कैसे आपको इसको फिक्स करना अभी डायरेक्ट इस तरह से आप नहीं फिक्स कर सकते तो इसके जो कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए आपको नीचे से एक बार हाथ डाल के रेफ्रिजरेटर वाला जो एक ये लेफ़्ट हैंड का जो आपको कनेक्टर है कनेक्ट करना है दूसरा इस साइड को कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए आपको एक हाथ जो है राइट right हैंड वाला नीचे से और दूसरा हाथ जो है आपको लेफ्ट हैंड का इधर से डालेंगे तो दोनों पॉइंट्स को आप पकड़ के प्रॉपर तरीके से उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे लूज कनेक्टिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए चूंकि लूज कनेक्टिंग होगी तो वो कनेक्टर्स जो हैं स्पार्किंग करेंगे और बहुत जल्दी जो है स्पार्किंग की वजह से कार्बन्स आएंगे ये सारी चीज़ें हो सकती है अभी हमने कनेक्टर को फिक्स कर दिया और इसको जब भी आपको बंद करना है इसके साथ जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी आराम से स्मूथली आपको पहले जो है इस तरह से ऊपर की साइड पुश करना है नीचे भी थोड़ा सा हाथ लगाना है और ये दोनों लॉक को ऐसे पकड़ के अंदर की तरह पहले नीचे आपको लॉक करना है नीचे लॉक करने के बाद फिर धीरे से जैसे आप प्रेस करेंगे स्मूथली आपका पूरा जो है ग्रिल डक्ट असेंबली जो है वो प्रॉपर बैठ जाएगा और जैसे कि आप देख रहे हो ये हमने इसको प्रॉपर तरीके से इस तरह से बंद कर दिया है अभी आप देख रहे हो बिल्कुल भी साइड से कहीं से आपको गैप नहीं मिलना चाहिए और जोर ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करनी और कभी आप इसको निकाल भी रहे हो अगर स्क्रू से नहीं निकला तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें कभी कभी फॉस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से ये जो हमारे अंदर वेपरेटर होता है उससे भी कनेक्ट हो जाता है, है और उसके बाद अभी हम लोग इसको चला के भी एक बार देखेंगे जैसे कि दोस्तों अभी ये चालू हो गया और बिल्कुल लेस नॉइस बिल्कुल लेस वाइब्रेशन एकदम स्मूथ चल रहा है